हम पतंगबाजी जरूर करते हैं, हाँ, लेकिन काम के बाद में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। जी जी, काम को जो छोड़ के पतंगबाजी करेगा, हाँ, वो सिर्फ अपनी बर्बादी की तरफ जाएगा। बिल्कुल, ना उसका घर होगा ना। आदमी 70-80 साल की उम्र में भी एकदम तंदुरुस्त और फिट रहना चाहता है तो ये शौक करे। बिल्कुल, माशाल्लाह करते हैं ना, दर्राटे काटते हुए और माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है। हमारे 10 या 11 टिकट गए हुए हैं, लेकिन अभी शाम दूर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भरोसा अपना। अच्छा अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। आज जो है ये नवाबपुरे का ये मैदान है, यहाँ से पेच हो रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सारी टीम आई हुई है। तो इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अकील साहब मौजूद हैं, उनकी टीम है और उनका मैच हो रहा है जिससे, तो वो सब इनसे जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई अलहमदिल्ला, और बताइए। अल्लाह का शुक्र, आज तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, हमारी टीम का नाम है, हाँ हाँ, गुलशन आलम काइट क्लब। गुलशन आलम काइट क्लब, अच्छा। और जिनसे लड़ रहा है वो डेरिया पे की टीम है। अच्छा, अनमोल काइट क्लब। अनमोल काइट क्लब, वो आप लोग सामने देख रहे हैं, वो वहाँ पर एक टीम खड़ी है, वो डेरिया की है, अनमोल काइट क्लब। उनसे गुलशन आलम क्लब का आज मैच है। तो किस टाइम से स्टार्ट हुआ था ये? 1:30 बजे जोहर की नमाज के बाद। जोहर की नमाज के बाद से, तो अब तक क्या स्कोर है? अभी हमारे पास कितने टिकट हैं? 13 टिकट हैं, हम 13 आगे चल रहे हैं। 13 आगे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा बताइए कब से शौक वौक चल रहा है? हम लोग तो कम से कम 20-20 साल हुआ है, 25-25 साल हुआ है पतंगबाजी करते हुए। अच्छा अच्छा, इनको हुआ, मेरे ख्याल कितने साल हो गए भाई आपको? 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से। अच्छा, नाम बताओ। अबरार हुसैन। अबरार हुसैन साहब, अच्छा। तो आप नहीं लड़ा रहे आज? लड़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नंबर वाइज लड़ते हैं। अच्छा, नंबर वाइज, जैसे किसी की कट गई, मेरी कट गई तो ये लड़ाएंगे, हाँ, इनकी कट गई तो ये लड़ाएंगे। अच्छा, इस तरीके से उड़ाते हैं नंबर। अच्छा अच्छा, फिर इसमें ये भी होगा कुछ एक्सपर्ट होते हैं खींच के? जी, कुछ जी जी, तो वो सब भी होंगे। ये दूर लड़ाते हैं। अच्छा, दूर का, दूर लड़ाते हैं। अच्छा, और ये भी लड़का दूर लड़ाता है। अच्छा, और ये जो है छोटे लड़ाते हैं, इसके पापा। अच्छा, इनके पापा आओ, ये आलम भाई। आलम भाई, सलाम अलैकुम। शहजादे आलम है। अच्छा अच्छा, यही कप्तान है गुलशन आलम के। अच्छा, आप हैं कैप्टन गुलशन आलम क्लब के? जी जी। तो कब से शौक है आपका? अरे 36 साल हो गया साहब। अच्छा जी, ओहो, शौक करते हुए। अच्छा, दर्राटे काटते हुए और माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है। जी जी, अभी बढ़िया है। तो अभी जो बहुत मजा आ रहा है, दो हफ्ते तो बिल्कुल मौसम ऐसा था, बिल्कुल नहीं हुई होगी। मौसम थे बहुत बुरे, कटे दिन। अच्छा, तो आज हाँ जरा सुकून हुआ है। जी जी, बढ़िया हो गया माशाल्लाह, इसलिए आज शौक करने को मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप कौन से पेज में माहिर हैं? दोनों ही पेज में माहिर हैं साहब। अच्छा, दूर में भी छोटे में भी। अच्छा अच्छा, सबसे शहर में सबसे लड़ते हैं हमारा गेम। तो अब ये जो आपका जो क्लब है, यहीं तक मुरादाबाद? मुरादाबाद में किया है या बाहर भी? बाहर काफी जगह, नखलऊ वगैरह और इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, सब जगह क्लब हुआ हुआ है हमारा। अच्छा अच्छा, गुलशन आलम। तो ये जो आपके क्लब में पतंग उड़ाई जाती है, वो कारीगर कौन से कारीगर की? काफी सारे हैं, मतलब वसीम आलम की पतंग लड़ती है, राजा की भी लड़ती है। अच्छा अच्छा, समझे नहीं, सभी की पतंग लड़ती है माशाल्लाह, सब बढ़िया। चलिए, आकाश। आकाश, अच्छा, तो भाई भाई भी हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम वसीम आलम है। वसीम आलम भाई, बढ़िया। अरे पैच हो गया क्या उनका? अरे कहाँ से? हाँ भाई, तो थोड़ा कलेक्शन दिखाइए। कलेक्शन है ये वसीम आलम की पतंग। वसीम आलम, अच्छा, ये मुरादाबाद के हैं जी? वसीम यही है। अच्छा अच्छा, इन्हीं ये खुद बनाते भी हैं? बनाते भी हैं। अच्छा, ये वसीम की है। अच्छा, बढ़िया। टिकली वसीम, टिकली वसीम राजा भाई की शागिर्द। अच्छा, ये नादिम भाई की पतंग। नादिम भाई की, ज़ारतवाली। ये सारी अद्दी हैं? सारी अद्दी हैं। अच्छा, ये भी उन्हीं की पतंग है, आलम भाई की। आलम भाई जी, अच्छा। वसीम आलम, बढ़िया। अभी तबरेज, तबरेज भाई की है। अच्छा, तबरेज भाई, जामा मस्जिद। अच्छा, कमर आदमी की। दानिश भाई की है, जामा मस्जिद। ये देखिए भाई, बहुत खूबसूरत पतंग है। ये अनवर भाई की पतंग है। अनवर भाई की है, तख्त वाली। अच्छा, तख्त वाली।
10:30. अच्छा, और ये आकाश की पता? आकाश बढ़िया। और ये आप वसीम आलम? और ये नाजिम भाई? ये नाजिम भाई की है, काफी सारा कलेक्शन है। ये भी काफी पुरानी लग रही है। ये भी जो है 4-5 साल पुरानी। अच्छा, उस्ताद अब्दुल समद जी, अनवर भाई की पतंग। अच्छा, ये भी 4-5 साल पुरानी है। अच्छा, बढ़िया। ये आलम भाई की है पतंग, वसीम आलम की। वसीम आलम, ये भी लगभग 4-5 साल पुरानी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। गोल्डन बढ़िया। बढ़िया। ये भी आकाश की पता? अच्छा, आकाश मुरादाबाद जी। ये वसीम आलम की पता? वसीम आलम 7-8 साल पुरानी पता। अच्छा, बढ़िया। ये आकाश की पता? बहुत इंदा। ये दानिश की है? सही है। चलिए, बहुत सारा कलेक्शन है जी, जी बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत पतंग है। बहुत चूर लड़ने की पतंग है। और तुम्हारे दानिश भाई की? दानिश, ये वसीम टिकली की है। अच्छा, मतलब मशहूर है नाम। हाँ, तो वसीम। हाँ, है वो एक लकब पड़ जाता। अच्छा, है। अच्छा, हाँ, वसीम टिकली करके। जी जी जी। अच्छा, और कोई वो नहीं है कोई? जी जी जी। थोड़ा सा खेल जो है जी वो इस हिसाब से डालते हैं कि हाँ, टीम को देख करके। अच्छा, तो टीम कैसी हो उसी के हिसाब से पतंग जो है डालनी पड़ती हाँ, 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 हैं। उस्ताद शफीकुर रहमान साहब हैं जैसे। अच्छा, के हाँ, हाँ, और भी बहुत सारे हाँ, हाँ, अच्छे अच्छे कारीगर हैं। अच्छा, तो टीम को सामने वाले देखना पड़ता है हाँ, कैसे टीम है उसके हिसाब से खेल डालते हैं। अच्छा, चलिए। अभी आकाश की पतंग? ये भी आकाश साहब की है। ये वसीम आलम की पतंग? अच्छा अच्छा, चलिए। ये अभी 6-7 महीने लगभग हुए हैं इन पतंगों को। अच्छा, ये ज़्यादा पुरानी है। काफ़ी पुरानी पुरानी पतंग है। ये भी लगभग 7-8 साल पुरानी पतंग। अच्छा, बहुत बेहतरीन पतंग, बहुत बढ़िया। चलिए जी भाई। जी, हम पतंगबाजी ज़रूर करते हैं लेकिन काम के बाद में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। जी जी, काम को जो छोड़ के पतंगबाजी करेगा हाँ, वो सिर्फ अपनी बर्बादी की तरफ जाएगा। बिल्कुल, ना उसका घर होगा ना कुछ होगा। सही बात है। खाने खराबी का जो शौक है हाँ, वो यही है। मतलब ये आप लेकिन कारोबार के मैसेज देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले काम है, पहले काम। जी बिल्कुल, अपना फर्ज। बिल्कुल, पहले अपना फर्ज अदा करें। जी जी, अपना जो घर का काम है वो अदा करें सबसे पहले जी, उसके बाद में जो है शौक दूसरे नंबर में। बिल्कुल सही बात। यानी कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर, अपने माँ बापों को छोड़कर या अपने बीवी बच्चों को छोड़कर के ये काम करें हर वक्त, ऐसा नहीं है जी। बाकी फिट रहने के लिए बहुत अच्छा शौक है ये जी। आदमी 70-80 साल की उम्र में भी एकदम तंदुरुस्त और फिट रहना चाहता है तो ये शौक करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कि हर वक्त इसी में पड़ा हुआ। हाँ, 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 सही सही, ये अच्छा नहीं है। चलिए चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीम पे छोटी स्कोर। तो फ्रेंड्स, गुलशन आलम काइट क्लब से जो मैच हो रहा है वो हमारे अनमोल काइट क्लब से हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारे भाई मौजूद हैं। जी भाई बताइए, क्या हाल है? हाँ, बढ़िया। अल्लाह, तो कैसा चल रहा है आज का शौक? आज का शौक बहुत अच्छा चल रहा है और हवा भी बहुत काफी तेज है। अच्छा अच्छा, तो स्कोर क्या है? स्कोर हमारे 10 या 11 टिकट गए हुए हैं। अच्छा, लेकिन अभी शाम दूर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा अपना। अच्छा अच्छा, तो कौन से कारीगर की पतंग उड़ा रहे हैं आप? ये हमारा अपना हाथ की पतंग है। अच्छा, अपना हाथ की है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, हमारे शब्बू भाई ऑल इंडिया चैंपियन। अच्छा, शब्बू भाई कहाँ के हैं? जामा मस्जिद के हैं। अच्छा अच्छा, तो साथ में कौन कौन पेज लड़ा रहा है? हमारे साथ में है हमारे समर है, छोटे भाई हैं, रिजवान भाई हैं। अच्छा, और तनवीर भाई हमारे कप्तान। अच्छा, एक मेंबर आया नहीं है। अच्छा, आया नहीं है। ओ, सही हमारे है। लड़ते रहते हैं, हम कम आते हैं यहाँ पर, हम छत से ज्यादा। अच्छा, छत से ज्यादा लड़ाते हैं। ग्राउंड अच्छा नहीं है यहाँ पर, कीचड़ है। सही 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 सही। और मांझा किसका उड़ा रहे हैं? मांझा हम ये लड़ाते हैं, क्या नाम है, बशीर बेग का। बशीर बेग बरेली फरीद का लड़ाते हैं, लड़ाकू जेट। अच्छा, लड़ाकू हमारे उस्ताद ही बेचते हैं, शब्बू भाई। अच्छा, ये लिखी हुई थे वो शब्बू काइट में, अगर लिखा हुआ है ना। हाँ, वो मांझा भी बेचते हैं और पतंग भी लड़ाते हैं, बहुत अच्छे चैंपियन खिलाड़ी। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, पार कर रहे हैं क्या पतंग? हाँ, मैं सेट कर रहा हूँ। चलिए सेट करिए, सेट करिए, देखते हैं। I've seen things that you wouldn't believe.
we go. कबूतरबाजी करते हैं। उस्ताद और कबूतरबाजी के उस्ताद हमारे अनीस भाई हैं। अनीस भाई हैं। चलिए 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 भाई, ठीक है, शुक्रिया।